गुड मॉर्निंग, मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, आज फ्राइडे है और आज टर्न है साइंस का, और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, जो अभी मैं यहाँ पे स्टडी करा रही हूँ आपको। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड बी। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर को हम फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकेंड ए, मतलब इस तरीके से ए बी के साथ नाम देंगे। तो फर्स्ट ए हमने देखा था और ये आज हम सेकेंड के साथ बी लगाएंगे, सेकेंड बी आज हम देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर सेकेंड है हमारा और सेकेंड के साथ बी, ठीक है। अब इसमें ये काम आपको कहाँ करना है बच्चों, ये आपको साइंस की कॉपी में ही करना है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो पहले पीछे का वीडियो देख करके फर्स्ट ए का काम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ए में भी मैंने आपको ये ब्लड ग्रुप कराया था। ये देखिए हमारा ये चैप्टर हमारा था, ये हमारा फर्स्ट ए का चैप्टर था। और आज बच्चों हम करेंगे, ये हम आज सेकेंड बी का चैप्टर कर रहे हैं। सेकेंड बी में, चैप्टर सेकेंड बी में देखिए आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप का क्रॉस करने का पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खूब बहुत मजा आएगा आपको करने में और खूब मजे के साथ हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको करना है क्वेश्चन। साइंस है बच्चों, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे करने के लिए। दिया है पेरेंटल जनरेशन, पी फॉर पेरेंटल और जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन का मतलब होता है माता पिता की पीढ़ी, ठीक है ना। पीढ़ी का मतलब जनरेशन, मतलब माता पिता, ठीक है। तो ये जो साइन दिया है ऐसे सर्कल करके, और यहां से ठीक इसी पोजीशन से ऐसे एरो लगाएंगे, इस साइन से हम बताते हैं मेल को, ठीक है ना। मेल यानी कि पापा, ठीक है ना, पेरेंट्स मतलब मेल प्लांट, हम प्लांट की भी बात कर सकते हैं। तो ये मेल को शो करता है, पेरेंट में ये मेल साइन को शो करता है, और ऐसे सर्कल करके और ऐसे हम नीचे प्लस बनाते हैं, ये फीमेल साइन को शो करता है। तो बार बार मेल फीमेल लिखने के बजाय हम केवल ये साइन लगाएंगे। मेल अब कह रहा है कि एक कोई आदमी है जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, आदमी का ब्लड ग्रुप ए है। आदमी का साइन यानी आदमी यानी कि मेल, मेल का साइन ये है। तो मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है ना। ये फीमेल का साइन है, फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। मेल का ब्लड ग्रुप ए, फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है। दोनों का ब्लड ग्रुप आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है कि जो उनकी संतान होंगी, ठीक है ना, संतान को हम बोलेंगे F1 जनरेशन, है ना, उनकी प्रथम पीढ़ी की, इनकी जो संतान होंगी, प्रथम पीढ़ी की जो संतान होंगी उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है ना, किस किस ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। संतान को हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो इनके ऑफस्प्रिंग यानी कि इनके बच्चे जो होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इस चीज को कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप समझ गए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले हम यहां पर लिखेंगे पी जनरेशन यानी कि पेरेंट्स वाला जनरेशन, ठीक है। तो पेरेंट्स में मेल ए, फीमेल बी, उस चीज को ऐसे उतार लिया हमने, ऐसे ऐसे एरो लगाएंगे, यहां लिखेंगे क्रॉस कि हम इनके बीच में जा रहे हैं क्रॉस करवाने, इस ब्लड ग्रुप और इस ब्लड ग्रुप के बीच में जा रहे हैं क्रॉस करवाने, ठीक है। क्रॉस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे, उसमें हमने ये एक लाइन खींचा, फिर ये एक लाइन खींचा, फिर ये एक लाइन खींचा, ये एक लाइन खींचा, इस तरीके से 3, 3, 6 और 3, 9 हमारे ये इसमें से बॉक्स बन गए, ठीक है बच्चों। इस तरीके का आप गेम भी खेलते हो, है ना, बिल्कुल उसी गेम की तरह से इसको ऐसे बनाना है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहां से एक लाइन ऐसे खींच करके और यहां पर मेल, मेल वाला साइन लिखना है और यहां पर फीमेल वाला साइन बनाना है, है ना। इसको बार बार आप बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत आसान है बच्चों, कोई कठिन नहीं है। यहां पर मेल वाला साइन हमने बनाया, यहां पर फीमेल वाला साइन बनाया, मेल वाले के साइड में, है ना, दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, फीमेल वाले के साइड में भी दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो मेल वाले के साइड में जो हमारा पहला बॉक्स है उसमें हम मेल वाले का ब्लड ग्रुप लिख दिया हमने ए, ठीक है, और फीमेल वाले के साइड में जो हमारा पहला बॉक्स है उसमें हमने फीमेल वाले का ब्लड ग्रुप लिख दिया बी। क्लियर बच्चों, समझ आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला बॉक्स इसका खाली है, तो जो खाली वाला इसका बॉक्स है उसमें हमने कर दिया ओ, है ना, ओ अपनी तरफ से बढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि ये आप समझेंगे नहीं, मतलब ये एलील होता है बच्चों, आगे बड़े क्लास में आप देखेंगे, और ये हमेशा पेयर में होता है, जोड़े में होता है, ठीक है ना। तो हम इसका पेयर बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसके लिए दो बॉक्स बनाया है। अब हम यहाँ पे करेंगे ओ, इसका भी हमने पेयर बना दिया, यहाँ पे कर दिया ओ, क्योंकि बॉक्स खाली था इसलिए हमने यहाँ पे ओ बना दिया। क्लियर,
अब क्या करेंगे, अब इस B वाले को या इस A इधर से चाहे कैसे भी करो आप, है ना, B वाले को हम जाएंगे A वाले के पास लेकर के इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो कभी भी बी ए ऐसा ब्लड ग्रुप आपने सुना नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ए बी, इन दोनों को हमने एक साथ करके यहाँ लिख दिया ए बी। अब इस बी को लेकर के हम इस ओ के पास जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम बी लिखे और फिर हमने इसको लिख दिया ओ, बी ओ, ठीक है। तो बी वाला ए के पास गया, यहाँ आंसर आया, बी वाला ओ के पास गया, यहाँ आंसर आया। अब ओ वाला ए के पास जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ए ओ, ठीक है। पहले हमने ए लिखा फिर हमने ओ को लिखा, है ना। आप अपने हिसाब से कर लीजिए कि किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे। हमारे यहाँ पे डिजिट पहले आ रहा था इसलिए हमने इसको पहले लिखा, हम ओ को पहले नहीं लिखेंगे, है ना, पहले डिजिट लिखेंगे, ऐसा ही करेंगे। अब वे ओ और ये ओ, इन दोनों का जब हम करेंगे क्रॉस तो हमारे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर ओ ओ आ गया, ठीक है। यानी कि करना क्या है आपको, बी को लेकर के ए के पास जाना है, आंसर यहाँ लिखना है। बी को लेके ओ के पास जाना है, आंसर यहाँ लिखना है। अब ओ को लेके ए के पास जाना है, आंसर यहाँ लिखना है। ओ को लेके ओ के पास जाना है, आंसर यहाँ लिखना है, ठीक है, आसान है एकदम। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है ना, आंसर हमारे कितने हैं, ये चार बॉक्स है, 1 2 3 4, ये चार बॉक्स के हमारे आंसर हैं। ए बी ब्लड ग्रुप आपने सुन रखा है ना, तो इसको छोड़ देंगे। कहीं आपने बी ओ ब्लड ग्रुप ऐसा सुना है क्या, नहीं, तो इस यानी कि इसमें ओ जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है, इस ओ को, एक्स्ट्रा ओ को हम काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। कहीं आपने ए ओ ब्लड ग्रुप सुना है क्या, नहीं, तो इसमें ओ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वही एक्स्ट्रा ओ है जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाया था, ठीक है, इसको हम काट देंगे। अब आपने ओ ओ ऐसा ब्लड ग्रुप सुना है क्या, नहीं, पिछले चैप्टर में हमने देखा था ना फर्स्ट ए में कि कहीं भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं था, तो इसमें ओ एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको काट देंगे। अब जो हमारा बचा, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। अब आंसर होगा कि एफ वन जनरेशन में ब्लड ग्रुप, है ना, यानी कि जो पहली पीढ़ी होगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो संतान होंगे, वो ब्लड ग्रुप ए बी के हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी के हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए के हो सकते हैं, या ब्लड ग्रुप ओ के हो सकते हैं, यानी कि इन चारों ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है बच्चों। ये एक क्वेश्चन का आंसर हमारा डन हो गया। वापस एक बार सुनिए, क्वेश्चन क्या क्या कहा गया था कि पापा का ब्लड ग्रुप कोई है इंसान जिसके जिसके पापा हैं, ठीक है ना, तो पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो वो हमने निकाला कि वो बच्चों का ब्लड ग्रुप, बच्चों क्या बोला जाएगा, ऑफस्प्रिंग, बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर ओ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकाल करके दे दिया। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ देखिए दिया गया है कि अब पेरेंट, है ना, मेल, यानी कि मेल आदमी का ब्लड ग्रुप दिया गया है ए, और लेडीज का ब्लड ग्रुप दिया गया है ए बी, और आपसे कहा जा रहा है कि जो प्रथम पीढ़ी में एफ वन से हम उसको बताते हैं, जो इनके बच्चे होंगे, एफ वन जनरेशन जो होगा इनका, उस एफ वन जनरेशन में बच्चे जो होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे, पी जनरेशन लिखेंगे। यहाँ पर मेल का ब्लड ग्रुप लिखा हमने ए, फीमेल का ये साइन लगाया, ब्लड ग्रुप इनका लिख दिया, दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉस वाली चीज़ हम यहाँ करवा के देखेंगे। हमने ये बॉक्स तैयार किया, ठीक है, इसमें हमने 9 बॉक्स बना लिए, एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर मेल का साइन बनाएंगे, और मेल का साइन बना करके मेल का ब्लड ग्रुप हमने लिख दिया ए, एक हमारा बॉक्स एक्स्ट्रा जा रहा है, एक्स्ट्रा में हमने ओ भर दिया, ठीक है। फीमेल वाले में हम गए, फीमेल का साइन हमने इधर लगाया, फीमेल वाले में कितने हैं, ए और बी, दो दो ऑलरेडी थे, तो एक बॉक्स में हमने ए को बैठा दिया, एक बॉक्स में हमने बी को बैठा दिया, यहाँ पर दोनों बॉक्स हमारे फुल हो गए, इसलिए हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा ओ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ बॉक्स खाली रह जाएगा वहाँ पर हम एक्स्ट्रा ओ भर देंगे, और जहाँ खाली नहीं रहेगा वहाँ पर तो ऑलरेडी ये भर गए, ठीक है। अब ये ए वाला जाएगा इस ए वाले के पास, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए ए, ये ए वाला गया ओ वाले के पास, आंसर क्या आया, ए ओ, ये बी वाले गया ए के पास, आंसर क्या आया, ए बी, बी ए तो होता नहीं है ब्लड ग्रुप, ए बी होता है, तो हम ए बी लिखेंगे। फिर ये बी वाला गया ओ के पास, तो आंसर क्या आया, बी और ओ। अब इसमें से जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, जो हमने नहीं सुन रखा है, उसको हम काट देंगे। तो ए ए ब्लड ग्रुप कहीं नहीं होता है, ब्लड ग्रुप ए केवल होता है, तो एक ए एक्स्ट्रा है, काट दिया हमने। ए ओ ब्लड ग्रुप कहीं नहीं होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, और हम काटेंगे कैंसिल, ओ को ही करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा हम ओ को ही बढ़ा रहे हैं, हम ए को नहीं काटेंगे, ओ को काटेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, वो है ना, ओ को ही हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए ओ को ही काटेंगे। तो हमने यहाँ से ओ को काट दिया, तो हमारा ये ब्लड ग्रुप क्या बचा, ए बचा। ए भी ब्लड ग्रुप तो होता है, इस वजह से यहाँ पे कोई कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। बी और ओ ऐसा ब्लड ग्रुप होता है क्या, बी ओ ब्लड ग्रुप नहीं होता है, तो क्या होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, तो ओ हमने एक्स्ट्रा दिया था, इस वजह से हम ओ को ही कैंसिल करेंगे, बी को कैंसिल
डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया कि F1 जनरेशन में यानी कि प्रथम जो पीढ़ी होगी जो इनकी संतानें होंगी वो किस किस ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप हो सकते हैं ए के, ठीक है, ए ए दोनों दिया है, दोनों में से हमने एक लिख दिया कि या तो ए ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं बच्चे, या ब्लड ग्रुप ए बी के हो सकते हैं बच्चे, या फिर ब्लड ग्रुप बी के हो सकते हैं बच्चे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चे ब्लड ग्रुप ओ के हों, क्योंकि यहाँ पे ओ कहीं भी नहीं आया है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप के बच्चे नहीं होंगे। समझ आ गए बच्चों आपको? बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ये चैप्टर जो मैं आपको साइंस का पढ़ा रही हूँ, इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, और इसको आपको अपने खूब अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ये होमवर्क भी दे रही हूँ, ठीक है ना, और इसको अच्छी तरीके से तैयार करो। जो एग्ज़ाम होगा मैं देखना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में कौन से बच्चे सबसे अच्छी तरीके से करके दिखाते हैं। आपका यहाँ पर बच्चों ये होमवर्क मैं दे रही हूँ, ये होमवर्क आपको कहाँ करना है, इसी साइंस की CW कॉपी में ही करना है, होमवर्क रजिस्टर में नहीं करना है बच्चों, CW में ही करना है, ठीक है। हमारा होमवर्क क्या है देखिए, मैंने आपको पी जनरेशन दिया है कि यदि पापा ए के और मम्मी ओ की रहीं तो बच्चे कैसे होंगे पता करना है। यहाँ पर मेल यदि बी का है, फीमेल यदि ए ब्लड ग्रुप का है तो बच्चे किस ब्लड ग्रुप के होंगे, यदि मेल यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप का है, फीमेल बी ब्लड ग्रुप का है तो बच्चे कैसे होंगे, अगर मेल यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप का है, फीमेल यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप का है तो कैसे होंगे, ठीक है। ये सारे मेल दिए हुए हैं, मेल के ब्लड ग्रुप, और ये सारे फीमेल के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, आपको पता करना है बिल्कुल इसी तरीके से करके कि उनकी संतानें यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होगा F1 जनरेशन जो होगा पीढ़ी का, उनके ब्लड ग्रुप कैसे कैसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि बच्चा ए का भी हो सकता है, बच्चा बी ए बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, बच्चा बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा सेकेंड बी चैप्टर, आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगा होगा। इस तरीके से साइंस के जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी ना बच्चों, ये आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, इंटरेस्टिंग, खूब मज़ा आएगा पढ़ने में भी, और आपको एग्जाम में सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा, कुछ ऐसा लगेगा कि चलो कुछ हमने अलग पढ़ा, कुछ अलग सीखा और मज़ेदार सीखा, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हमने सीखी जो आगे फ्यूचर में आपके आएगा ही, बड़े बड़े क्लासेस में ये चीज़ें आती हैं बच्चों, ठीक है, तो बड़े क्लासेस में आने वाला है, लेकिन मैं आपको आपके हिसाब से ही बता रही हूँ, बहुत ईजी वे में, है ना, छोटे जानकारी भी होनी चाहिए और ईजी वे में। मैं आपको अब जो साइंस पढ़ा रही हूँ ना बच्चों, ये आपकी बुक से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं और खूब अच्छी चीज़ें, अब हमको रटना नहीं है, यहाँ पर सीखना है, सीखने के उद्देश्य से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत अच्छी अच्छे चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगी, आईज के बारे में, किडनी के बारे में, और बहुत ही आसान तरीके से जो कि आपको समझ में आए, ठीक है, और ये पढ़ा हुआ है आपको फ्यूचर में काम आएगा। यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर नहीं है जो आपको रट लेना है और एग्जाम देना है, यहाँ पे सीखना है हमको, रटना नहीं है बच्चों, सीखना है, ठीक है। तो अब हम साइंस को मन लगा करके इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है बच्चों, रेडी रखिएगा आप लोग, एग्जाम में आपके यही आएंगे। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।